आज है आपके प्रश्नावली 1.3, इसमें आप सीखोगे वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आता है, क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो ध्यान देना, सबसे मोस्ट है ये, परीक्षा में भी 3 नंबर का आएगा और वैसे दैनिक गणित के लिए भी सबसे मोस्ट है। मतलब वर्गमूल जस्ट आपके होगा वर्ग का उल्टा, जैसे ये नंबर आपके है रूट में, इसको निकालना है बाहर। बाहर कैसे निकालना है, जैसे पहले सीखा था अपन ने, क्या सीखा था, जैसे होता है 2 का वर्ग होता है कितना, 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 2 का वर्ग तो होता है 4 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं उसके जोड़े बनाओगे 2-2 अंक के, और जोड़े बनाने का काम कहां से करोगे, पीछे से, इकाई अंक से। अब देखो एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये, 2 जोड़े बन गए, ठीक है, एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये, पीछे से बनाओगे जोड़े। अब देखो इसको रखोगे इस परफॉर्मे में, ऐसे रखोगे, कितना है, 21 16। अब देखो जोड़े को देखोगे, एक जोड़ा तो ये है आपके और एक जोड़ा ये है। अब यहाँ पर काम करोगे आप, सबसे पहले जोड़े में पहला जोड़ा कितना है, 21 कितना है, 21। ये जो 21 है इस पर आप ऐसे नंबर का वर्ग करोगे वो 21 से छोटा है या 21 के बराबर है। अब बताओ 4 का कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25। 25 तो ज्यादा हो गया, किसका वर्ग करना पड़ेगा, 4 का, मतलब ऐसे नंबर का वर्ग करना है शुरुआत में जो आए इससे छोटा या फिर आए इससे बड़ा, बड़ा नहीं आना चाहिए, या तो ऐसे छोटा या इसके बराबर। अब बताओ 4 का हो गए, तो देखो 4 तो लिखेंगे यहाँ पर और 4 लिखेंगे यहाँ पर, और कितनी बार में, 2 बार, 4 बार में, 4 बार, 4 लिखेंगे यहाँ पर, देखो 4 जो कितना हो गया, 16। आगे तो करेंगे प्लस, आगे वाले नंबर को क्या करेंगे, बताओ 4 और 4 8, 21 में 16 गए तो 5। अब ये जोड़ा उतारेंगे यहाँ पे कितना, 16 उतार दिया। अब क्या करते हैं, देखो अब यहाँ कितना है, 8। अब जो ये 8 है, 8 को ऐसे नंबर से गुणा व भाग करेंगे, या तो आ जाए 516 या आ जाए 516 से कम। तो देखो यहाँ करके देखेंगे, इधर 4 से करके देख लो, पहले 4 चौके 16, हासिल का 1, 8 चौके 32 हो रहे, कितना हो गया, 33। यहाँ तो 516 है, 33 बहुत छोटा है, ज्यादा से करना पड़ेगा, 5 से करेंगे तो इकाई में 5 ही आएगा, कितने करेंगे, 6 से कितना, 36 बचे कितने, 8 6 48 और 3 कितना हो गया, 51 कितना आया, 516 किससे गुणा किससे भाग किया, 6 से गुणा और 6 से भाग, 6 यहाँ लिखा तो 6 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बताओ गुणा करने पर कितना आया, 516। इधर तो करते हैं जोड़ और इधर करते हैं कटाओ, 6 में 6 गया तो 0, 1 में 6 गया तो 0, 5 में 5 गया तो 0। अब इधर भी कोई नंबर नहीं है, शेषफल कितना आ गया, 0, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 46। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 46। अब ये देखो ये वाला, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा समझ में, ध्यान दो बस, एक बार टेक्निक पकड़ में आ गए तो आसानी से करोगे आप। 42 25 का निकालना है आपको वर्गमूल, यहाँ पे भी क्या करोगे, जोड़े बनाएंगे और जोड़े कहाँ से बनाओगे, पीछे से, यहाँ लिख देता हूँ मैं 42 25। अब देखो ये वहा आपके यहाँ पे जोड़े बनाओगे आप, अब देखो एक पीछे से बनाएंगे, ये 2 अंक का एक जोड़ा ये बन गया और 1 अंक का ये बन गया। सबसे पहले करेंगे पहले जोड़े को, बताओ कितना है, 42। ऐसे ही नंबर का वर्ग करेंगे या तो 42 आए या 42 से कम आए, देखो 5 का करते तो कितना होता है, 25, 6 का करते तो 36 और 7 का करते तो 49, ज्यादा हो गया। अब किसका करना पड़ेगा, 6 का ही करना पड़ेगा, तो मैं 6 लिखेंगे यहाँ पर और 6 लिखेंगे और 6 ही लिखेंगे यहाँ पर, तो 6 कितना हो गया, 36। आगे तो करेंगे जोड़ और पीछे करेंगे घटाओ, तो ये प्लस कितना आ गया, 12। यहाँ कितना बचा, 6। अब उतारेंगे जोड़ा कितना, 25। अब ध्यान दो,
अच्छा, अब ये तो नंबर आया, इसको ऐसे नंबर से गुणा और भाग करो, या तो आ जाए 625 या आ जाए 625 से। अब इका अंक में कितना रहा है, तो लगभग यहाँ पे आप पास ही करके देख सकते हो, ऐसे लगाओगे धीरे धीरे आइडिया। अब मैं करता हूँ 12 को 5 से गुणा, 5 से भाग, 5 बाद कितना 25, बचे कितने 5 दूनी 10 और 2 बचा कितना 5 एक 5 और 1 6 कितना आ गया 625 625 आ गया। तो किससे गुणा किया 5 से गुणा 5 से भाग, कितनी बार में 5, ये 5 बार में, तो यहाँ कितना आ गया 625। 5 आगे तो करेंगे प्लस और पीछे करेंगे, 5 में 5 गया तो 2 में 2 गया तो 6 में 6 गया तो 0, तो आपका उत्तर कितना आ गया 65। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, ये 68-69 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको निकालना है वैदिक विधियों से। पहले इसको इसके परफॉर्म में सेट करेंगे ऐसे, ये 68-69। अब बताओ जोड़े बनाने हैं दो दो अंकों के, और जोड़े बनाने काम कहाँ से करना है, नीचे से इकाएंक से, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले काम करना है पहले वाले जोड़े पे, ध्यान दो इधर पहले जोड़े पे। अब सबसे पहले करना होता है आपको वर्ग, ऐसे नंबर का यहाँ वर्ग करेंगे जो 68 से क्या है छोटा है, या फिर 68 से क्या है बराबर है, 68 से छोटा है या 68 से बराबर है, ठीक है। अब बताओ 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 8 का समसेट रहेगा इसके लिए, तो लिखेंगे 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 8 बाटी कितना हुआ और कितनी बार में आया 8 बार में आया, ठीक है। आगे का तो करेंगे प्लस और पीछे का करेंगे 8 में 64 गए तो 4, ठीक है। अब उतारें इधर 8 और 8 16, अब उतारेंगे जोड़ा यहाँ से उतार लिया, ठीक है। अब ये आया 16, अब इसको ऐसे नंबर से गुणा व भाग करेंगे, या तो कितना है या तो कितना है 489 है या इससे क्या है कम आए। अब बताओ अब पीछे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो यहाँ देख लेंगे अपन 3 की कितना होता है 9, तो इसको करते हैं 3 से गुणा 3 से, 3 दिए 36 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो आगे 3 से गुणा 3 से भाग कितना आया 490, ठीक है। तो इधर 0 यहाँ भी 0, और कितने से गुणा किया था 3 से, तो आपका उत्तर कितना आ गया 83। आया समझ में, उत्तर देखो आज के एक क्वेश्चन है वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, यहाँ पर अपन द्वंद योग विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसको द्वंद योग विधि से कैसे करना है ध्यान से देखो। इधर सबसे पहले तो आपको जोड़े बनाने इकाएंक से, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, दो जोड़े बन गया आपके यहाँ से, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पे आपको ऐसा परफॉर्मा बनाना है द्वंद योग विधि में ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है बीच वाला जोड़ा, ये बीच वाला खाना, इसमें लिखना है आपको एक जोड़ा, केवल एक सबसे पहले नंबर का कितना है 21, और जो शेष बचे वो कहा लिखना है आपको पीछे कितना 16, थोड़ा गैप देके लिखने लिखेंगे ताकि अपन इसमें नंबर लिखेंगे बाद में। अब सबसे पहले नंबर एक पे इसमें काम करेंगे अपन, नंबर एक पे काम करेंगे जो ये पहला जोड़ा लिखा, इसमें से कुछ चीज घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे कुछ, अब क्या घटाएंगे ऐसा नंबर ऐसा संख्या का वर्ग घटाएंगे जो इससे क्या है छोटा, जैसे 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 5 का दे दिया हो गया, तो किसका वर्ग घटाएंगे 4 का वर्ग घटाएंगे, तो 21 माइनस 4 चौको 16, शेष कितना बचा 5। तो देखो जिसका वर्ग किया घटाया था उसको तो लिखेंगे यहाँ पर, और जो शेष बचा उसको लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करते हैं जिसका वर्ग किया था उसका करेंगे डबल, 2 से गुणा मतलब डबल, तो 4 का डबल यहाँ देख लो 4 दुनी 8 डबल हो जाता है हमेशा, इसका होगा डबल। आगे समझ में। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है भाग। अब देखो भाग कैसे करते हैं, जितने आपके जोड़े
बाद वाले खाने में रखोगे उतनी बार बाग करना है। कितनी बार रखा था? एक जोड़ा रखा था। बाग भी कितनी बार करोगे? एक बार। अच्छा तो यहाँ से आपके नया नंबर बन गया 51। कितना बना? यहाँ लिखोगे 51 और इसमें बाग किसका करोगे? इसमें बाग करोगे जो डबल किया था 8 का। अब 8 का बाग करने पर आपको दो चीजें मिलेगी, एक को मिलेगा बाग फल और एक मिलेगा सेब। बताओ बाग फल कितना हुआ? बाग फल हुआ आपके 8 6 8 4 और शेष कितना बचा? शेष बचा आपके 3। तो जो बाग किया वो तो लिखोगे यहाँ पर और जो शेष बचा वो लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो आपका उत्तर 2 अंकों में आना था क्योंकि जितने जोड़े उतने अंकों में आपका उत्तर आता है। तो आपका उत्तर तो आ गया लेकिन आगे वाले नंबर को क्या करना है? आपको 0 लाना है। अब देखो आगे वाला नंबर क्या बना? 36। आगे वाला नंबर क्या बना? 36। अब इसको भी माइनस करना है और माइनस करना है ये इस वाले नंबर के द्वंद से, क्योंकि देखो यहाँ पर इससे माइनस किया तो यहाँ पर इससे माइनस करेंगे, मतलब किससे द्वंद से? 6 के द्वंद से। आप बताओ 36 माइनस 6 का द्वंद क्या होगा? एक संख्या का द्वंद सिखाया था कल, मतलब उसी संख्या क्या होता है? द्वंद। तो यहाँ देखो 36 माइनस 36 जीरो, तो सब जीरो हो गया। आप उत्तर कितना आ गया? 46। आप उत्तर कितना आ गया? 46। आगे समझ में? अब ध्यान दो ये वाला, देखो दूसरा, इसमें भी जोड़े बनाएंगे दो दो नंबरों के, एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। अब ध्यान दो, सबसे पहले बनाएंगे इसके कॉलम ऐसे बन गए। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, सबसे पहले तो घटाएंगे, बताओ किसमें से घटाएंगे? बयालीस में से। अब क्या घटाएंगे? ऐसे नंबर का वर्ग जो 42 से छोटा हो या 42 के बराबर हो। किसका वर्ग कितना होता है? 36। यहाँ से घटाएंगे 6 का वर्ग तो आएगा 42 माइनस 36, कितना बचेगा? 6। जो जिसका वर्ग किया था वो लिखेंगे यहाँ पर और जो शेष बचा वो लिखेंगे यहाँ पर। और इसका क्या करेंगे? दबल, दबल। इसका करेंगे डबल, कितना हो गया? 12। ठीक है, इसका करेंगे डबल, 12 हो गया। अब क्या करना है? आपको भाग करना है और ध्यान दो जितने जोड़े आप पीछे खाने में उतारोगे उतनी बार आपको भाग करना है। कितने जोड़े उतरे? एक। तो कितनी बार भाग करना है? अब यहाँ देखो नया नंबर कितना बना? 62। कितना बना? 62। तो आप भाग करोगे 62 में और भाग करोगे आप किसका? 12 का। बताओ दो चीजें आएगी भाग करने पर, एक तो आएगा भाग फल और एक आएगा 12। भाग फल तो 5 और शेष फल 2। शेष फल आया 2। तो भाग फल को तो लिखोगे यहाँ पर और शेष फल को लिखोगे यहाँ पर। अब देखो आपका उत्तर तो आ गया लेकिन आपको जो ये नंबर है इनका क्या करना है? 0। तो आगे जो नंबर बना कितना बना? वो बना आपके 25। अब इस 25 को भी माइनस करना है और माइनस किसमें से करना है? ये 5 के द्वंद में से। तो ये 5 का द्वंद करना है यहाँ पे। अब देखो 25 का तो 25 और 5 का द्वंद उसका स्क्वायर। तो यहाँ देखो 25 माइनस कितना? कितना आ गया? 0। तो आपका उत्तर कितना आया? सर आया समझ में? सर।